एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो शुरू करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। उसके लिए भी आप बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के वीडियो में जो ट्यूटोरियल है उस ट्यूटोरियल का नाम है मर्ज डुप्लीकेट आइटम इन इनवॉइस। अब ये मर्ज डुप्लीकेट आइटम इन इनवॉइस क्या है इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखलाता हूँ। जैसे डेबू को मैंने ये एक बिल बना कर रखा है। ये यहाँ पर आप देखिए आइटम 2000 एक आइटम है और आइटम 2000 आइटम यहाँ भी है और आइटम 2000 यहाँ भी है, मतलब सेम आइटम तीन जगह रिपीटेड है। उसी तरह से आइटम 2006 यहाँ रिपीट है और नीचे भी रिपीट है, मतलब एक ही आइटम बार बार रिपीट है। अब बार बार रिपीट होने का कई कारण हो सकते हैं, हर बिजनेस में हर के हिसाब से वो रीजन अलग अलग हो सकते हैं। तो एक दो रीजन मैं देता हूँ, बाकी आप रीजन अपने हिसाब से सोचिएगा। पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे आपने एक मान लीजिए आइटम 2000 एक शर्ट है ना, तो वो हो सकता है मीडियम साइज का हो, फिर बंदे ने वही शर्ट लिया स्मॉल साइज का, तो स्मॉल और मीडियम दोनों का रेट सेम है, तो हम अपने पास स्टॉक तो मेंटेन करते हैं अलग अलग ताकि हमारे पास आइटम्स मीडियम में कितना है शॉर्ट में कितना है हमें पता चले। तो उसके लिए हम आइटम बना लेंगे शर्ट मीडियम शर्ट शॉर्ट पर। हम क्या करेंगे कि उस कंडीशन में आप बैच का यूज करके मीडियम और शॉर्ट में अलग अलग कर सकते हैं, पर जब हम बिल बनाएंगे तो शॉर्ट हमने अलग बिलिंग किया और मीडियम हमने अलग बिलिंग किया, पर जब हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारा दो जगह प्रिंट आता है। यहाँ पर जब हम देखेंगे बिल प्रिंट में तो जितने आइटम आपके पीछे वाउचर पे हैं उतने आइटम यहाँ इनवॉइस पर आ रहे हैं। यहाँ एक देखिए सात आइटम यहाँ इनवॉइस पर और सात आइटम पीछे भी है। तो जब हम बिल चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि शॉर्ट है या मीडियम है, रेट तो हमारा सेम ही है। इसके अलावा और भी बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, कलर वाइज हो सकता है, और भी बहुत सारे कंडीशन है। तो हम फोकस इस पे करते हैं कि ये ट्यूटोरियल हमारा करता क्या। अगर आपके काम का हो तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ट्यूटोरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां से आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसका आनंद लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आइटम 2000 एक नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर मतलब जितनी बार वाउचर पे है उतनी बार यहाँ भी शो हो रहा है। टोटल 2400 का बिल है प्लस टैक्सेशन वगैरह, अगर मैं बिल में लगाऊंगा तो वो भी आपको शो करेगा। अभी इसमें हमें क्या करना है कि एक आइटम हमारा एक जगह मर्ज हो जाए। अभी देखिए सात आइटम है, सातों एक एक पीस है। अभी हमें इस ट्यूटोरियल को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर अल्टर में चलेंगे और वाउचर टाइप में चलेंगे, और जिस वाउचर टाइप आपको एक्टिवेट करना है उस वाउचर टाइप पर चलेंगे, और यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन है मर्ज डुप्लीकेट आइटम इन इनवॉइस, इसे हम यस कर लेंगे और सेव कर लेंगे। यस करने के बाद जब हम वाउचर पर आएंगे तो वाउचर जैसा था वैसा ही दिखेगा, पर अब हम जब प्रिंट बटन देंगे तो यहाँ पर जब हम प्रीव्यू में चलेंगे दोस्तों, तो ये देखिए ये अभी देखिए चार आइटम हो गया। अभी क्या हो गया, आइटम 2000 जो है दो पीस है और आइटम 2000 यहाँ भी दोस्तों चार नंबर पे भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा जो आइटम 2000 है आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आइटम 2000 एक यहाँ पर एक पीस है और एक पीस यहाँ पर है, दोनों का रेट 500 का है, पर ये वाले का रेट डिफरेंट है दोस्तों। मतलब जब रेट डिफरेंस होता है तो वो उस आइटम को मर्ज कंसिडर नहीं करता है क्योंकि उसका रेट ही अलग है। तो यहाँ पर देखिए आइटम 2000 यहाँ 500 यहाँ आ रहा है और आइटम 2000 एक आइटम यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से इसने 2003 को भी मर्ज कर दिया और 2006 को भी मर्ज कर दिया है। तो ये हमारे दो दो छः एक सात पीस का ये है, 2400 का बिल है। यहाँ भी देखिए यहाँ भी हमारे पास एक एक आइटम सात आइटम है, सात पीस का यहाँ भी 2400 का बिल ये भी है। तो दोस्तों अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्यूटोरियल का, तब तक के लिए धन्यवाद।